हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया के टॉप 10 ब्यूटीफुल बर्ड के बारे में जानेंगे। इंडिया में कई प्रकार के बर्ड पाए जाते हैं। इंडियन फॉरेस्ट में इनकी कई प्रजातियां अलग अलग आकार और रूप में पाई जाती है। चलिए देखते हैं हमारे लिस्ट में सबसे पहले कौन सा बर्ड आता है। पहले नंबर पे हमने रखा है इंडियन पीफुल द पीकॉक। जी हाँ दोस्तों, द पीकॉक, इस बर्ड को दुनिया में कौन नहीं जानता है। यह हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है। इसमें मेल बर्ड अपने सुंदर और चमकदार नीले और हरे रंगों में पाया जाता है और इसकी पूंछ लंबी और बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और ये इसका इस्तेमाल फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। ये बर्ड अपनी पूंछ को पंखों की तरह खोलकर डांस कर अपने बर्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसकी तेज आवाज 2 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अब दूसरे नंबर पे है हिमालयन मोनाल। ये एक ऐसा बर्ड है जो कई रंगों से बना हुआ है। इस प्रजाति में मेल बर्ड 12 रेंबो कलर्स में पाए जाते हैं, जबकि फीमेल हल्के भूरे रंग में देखने मिलती है। जो बर्ड आप देख रहे हो ये तीतरों में सबसे कलरफुल बर्ड माना जाता है। जी हाँ, ये तीतर बर्ड की एक प्रजाति है। तीसरे नंबर पे है इंडियन रोलर। ये एक और ब्यूटीफुल बर्ड है जो शाइनी ब्लू कलर के कई शेड हमें दिखाता है। यही चमकदार कलर इस बर्ड को और भी खूबसूरत कर देता है। इसमें थोड़ा हरा रंग भी है जो इसके पंखों में है। फ्लाइंग के वक्त ये और भी आकर्षित दिखता है। फिर आता है चार नंबर पे ओरिएंटल डॉर्फ किंगफिशर। ये बर्ड वाइल्ड फोटोग्राफर की पहली चॉइस होती है और ये हमारे महाराष्ट्र की शान भी है। आप इसके चटकारे ब्लू ऑरेंज कलर और लंबी लाल चोंच की बनावट से नजर नहीं हटा सकते। ये बर्ड उड़ते हुए किसी फ्लाइंग जेट की तरह ही दिखता है। यहाँ तक कि जापान की बुलेट ट्रेन का शेप भी इसी के चोंच के शेप को ध्यान में रखते हुए बनाया है। लॉन्ग टेल ब्रॉड बिल हमारे पांचवें स्थान पे आता है। यह बर्ड ज्यादातर हिमालय में पाया जाता है। यह सोरिसोमस जाति का एकमात्र बर्ड है जो इंडिया में पाया जाता है। ये अपने तेज आवाज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। छठे नंबर पे है सटैर ट्रैगोपन। ये तीतर की और एक प्रजाति है जिसमें नर का चेहरा काला, किनारे गहरे नीले रंग के और थुड्डी जैसा होता है। पूंछ के ऊपरी हिस्से भूरे रंग के होते हैं। इस तीतर को लाल सिंह वाले तीतर से भी जाना जाता है। यह ज्यादातर इंडिया के तिब्बत, नेपाल और भूटान जैसे इलाकों में पाया जाता है। और एक बर्ड जो हिमालय में ज्यादा देखा जाता है और वो हमारे लिस्ट में सातवें स्थान पे आता है, नाम है फायर टेल माइजोर्निस। आप इसे हरियाली के बीच इसके हरे शरीर, तेज लाल धारी वाली पूंछ, नारंगी गले और आंखों के चारों ओर काली परत के साथ देख सकते हैं। इसके पंखों के नोक पर सफेद बिंदु भी होता है। इसकी बनावट और रंग इसको अपने आप में अनोखा बनाती है। अब आती है मिसेस गोल्डन सनबर्ड्स। ये किसी औरत का नाम नहीं है, ये बर्ड का नाम है जो हमारे लिस्ट में आठवें स्थान पे आता है। मेल बर्ड सबसे कलरफुल होता है। इसका शरीर लाल और पूंछ नीले रंग की होती है, जबकि फीमेल बर्ड सुस्त जैतूनी रंग की, पेट पे पीला रंग और भूरे सर वाली होती है। ये बर्ड ज्यादातर फूलों वाले पेड़ों पे पाए जाते हैं। सेकंड लास्ट यानी कि नौवें स्थान पे हम देखते हैं रेड जंगल फाउल। ये दिखने में मुर्ग जैसा है, नहीं बल्कि मुर्ग ही है। यह कई खूबसूरत रंगों में पाए जाते हैं और यह डोमेस्टिक बर्ड है। ये हमारे गांव के आंगन की खूबसूरती बढ़ाता है। फिर लास्ट में आता है इंडियन पिट्टा। यह बर्ड इंडिया में प्रेजेंट सबसे ब्यूटीफुल बर्ड में से एक बर्ड कह सकते हैं। ये 9 अलग अलग रंगों में पाया जाता है, इसलिए इसे इंडिया में नवरंगी बर्ड के नाम से भी जानते हैं। यह बर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यह सदाबहार जंगलों में पाया जाने वाला एक शानदार बर्ड है। इसकी खास बात यह है कि ये हिमालय की चोटियों में और सेंट्रल और वेस्ट इंडिया की पहाड़ियों में घोंसला बनाता है और प्रजनन करता है। सर्दियां शुरू होते ही ये पेनिनसुला की
कई अन्य जगहों पे माइग्रेट कर जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्लीज ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।